लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बट मैं अभी अच्छी नहीं हूँ. आप लोग को मेरे फेस से पता चल रहा होगा, आई एम नॉट वेल टुडे. मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, प्लस मुझे फॉरहेड पे पिंपल हो गया. वेल, वो इसका पार्ट नहीं था, बट स्टिल वो मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मुझे कैमरा में दिख रहा है, इसलिए मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया. सो हाँ, द मेन पॉइंट इज़ कि मैं आज कहाँ पे आई हूँ. मैं आज आई हूँ चौमू पैलेस. बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैलेस है, होटल है ये बेसिकली. तो मैं आज आप लोग को विज़िट कराऊँगी इस प्लेस का. तो चलते हैं अंदर. हम जैसे ही पैलेस में एंट्री करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है. ये मेन एंट्रेंस है, मैं अंदर आ चुकी हूँ और मैं अंदर पैलेस की तरफ बढ़ रही हूँ. अभी आप लोग को मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ. ये गार्डन एरिया है, और ये है मेन एंट्रेंस गेट जो सबसे ब्यूटीफुल है यहाँ का. ये सेकंड गेट है इस पैलेस का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है. और इस डोर के दोनों तरफ ये लॉयन है, सेम दोनों साइड है. और ये बड़े से शेल हैं दोनों तरफ जिनमें पानी भरा हुआ है. मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे ये. हम लोग आ गए हैं अंदर. वो अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. यहाँ पे टोटल 70 रूम्स हैं. आपको जितने भी ये दिख रहे हैं ये सारे होटल रूम्स हैं. और इस प्लेस का नाम पहले चौमूगढ़ था, जो कि ठाकुर करण सिंह जी ने बनवाया था. उसके बाद में गोविंद सिंह जी ने इसको एक पैलेस में कन्वर्ट कर दिया था. और ये जितने भी आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये ओरिजिनल वही कलर्स हैं जो उस टाइम पे हुए थे. इस तरीके के जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं ना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. बिकॉज़ मुझे यू नो, कभी कभी मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है कि लाइक पहले के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे. और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो भी आप कलर वगैरह देख रहे हैं ना, ये एज इट इज़ हैं, जैसे ये पहले थे. इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया. तो वेदर भी टच में अभी काफ़ी सही है, बहुत प्यारी सी हवा चल रही है. इज इट विराट कोहली? ओके, आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को ऐसे फॉलो किया होगा, किसी लड़के को. वैसे लड़की को भी नहीं किया मैंने कभी फॉलो, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि ये विराट है या नहीं. और मुझे नहीं पता चल पाया, माई बैड, कि ये सच में विराट थे या नहीं. बट मुझे सेम वही लगे. इस प्लेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली है अभी, कि यहाँ पे भूल भुलैया का शो हुआ था. अगर आप लोगों ने देखी होगी, भूल भुलैया में जो भूतिया महल था, तो वो ये भी प्लेस है. हाँ, बट थोड़े बहुत ग्राफिक्स इसकी जो स्टोरी है उसको बढ़ा दिया था. यानी कि ये डबल स्टोरी है, इसको थोड़ा सा ग्राफिक्स से दिखा दिया था, बट ये एक्चुअली में वही प्लेस है. ये वो प्लेस है जहाँ पे अक्षय कुमार चेयर पे बैठे होते हैं, और उनका एक शॉट था यहाँ भी. अगर आपने देखी होगी मूवी तो आप पहचान जाओगे. ये मिरर मुझे काफ़ी सुंदर लगा, इसलिए मैंने जस्ट ऐसे ही कैप्चर कर लिया. वॉशरूम का मिरर है ये. सो या, दैट्स इट. अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का. अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में. आई होप आप लोग को आज मज़ा आया होगा. और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन बेल, सो यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ माय वीडियो.